मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य में राजा गुहिल के बारे में और मेवाड़ की राजधानियां के बारे में। कौन कौन सी राजधानियां हुई है और कौन कौन से शासक हुए, उनमें से सबसे पहले जो संस्थापक हुए हैं राजा गुहिल, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम मेवाड़ की राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे कि मेवाड़ की कौन कौन सी राजधानियां हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी जिसका नाम था नागदा। नंबर एक, नागदा राजधानी। इस नागदा जो राजधानी है, इसकी स्थापना की थी ये काल भोज या बप्पा रावल ने की थी। किसने की थी? काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज, जिसका दूसरा नाम है बप्पा रावल, इनके टाइम में ये राजधानी थी नागदा। अब दूसरे शासक आए हैं बाद में, उन्होंने कर दी अहड़ के अंदर। कहाँ कर दी? दूसरी राजधानी है मेवाड़ की, जो राजधानी है अहड़, और जिसकी जो स्थापना है वो की राजा अलर्ट ने। राजा अलर्ट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी है वो कर दी अहड़। और अहड़ के बाद में तीसरी राजधानी मेवाड़ की हुई है वो चित्तौड़गढ़ हुई है। कहाँ हुई है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ तीसरी राजधानी मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ हुई है, और चित्तौड़गढ़ राजधानी है वो की है रावण जैतर सिंह। रावण जैतर सिंह ने जो तीसरी राजधानी है वो कहाँ कर दी है? चित्तौड़गढ़ के अंदर कर दिए। और फिर चौथी राजधानी और पांचवी राजधानी, चौथी और पांचवी राजधानी, ये दोनों राजधानियां महाराणा उदय सिंह के टाइम हुई थी। उदय सिंह के समय हुई थी उदयपुर और गोगुंदा। उदयपुर और गोगुंदा महाराणा प्रताप के पिताजी थे, महाराणा उदय सिंह। इन्होंने दोनों राजधानी इनके समय हुई है महाराणा उदय सिंह। और उसके बाद में छठी राजधानी और सातवीं राजधानी, चौथी और पांचवी महाराणा उदय सिंह के समय हुई है, और छठी और सातवीं यानी कि कुंभलगढ़ और चामंड। कुंभलगढ़ और चामंड राजधानी है वो महाराणा प्रताप के समय हुई। किसके समय हुई है? जो वीर शिरोमणि शासक हुए महाराणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप इनके टाइम में ये राजधानी हुई है कुंभलगढ़ और चावंड। नंबर आठ राजधानी है और एक नंबर नौ। आठ नंबर की जो राजधानी है वो है चित्तौड़गढ़। आठ नंबर की राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ राजधानी है वो अमर सिंह प्रथम के टाइम हुई है। अमर सिंह महाराणा अमर सिंह प्रथम यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र है, और उस समय मुगल शासक थे अकबर। अकबर से संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, उसके तहत ये चित्तौड़गढ़ की राजधानी अमर सिंह के समय हुई है। और उसके बाद में राजधानी हुई है उदयपुर महाराणा भीम सिंह के टाइम। उदयपुर राजधानी है वो है महाराणा भीम सिंह। और भीम सिंह उस समय हुई है जब अंग्रेजों का शासन था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम हुई है। कब हुई है? अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने उदयपुर राजधानी कर दी, और उस समय शासक थे वो कौन थे? भीम सिंह। यानी पहली राजधानी है नागदा, काल भोज या बप्पा रावल ने स्थापना की मेवाड़ की प्रथम राजधानी। दूसरी राजधानी है वो है अहड़, जो राजा अलर्ट ने बनाई है। तीसरी राजधानी है चित्तौड़गढ़, जो रावल जैतर सिंह ने बनाई है। यानी चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता रावल जैतर सिंह माने जाते हैं, और इन्होंने ही प्रथम राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया है। चौथी और पांचवी राजधानी उदयपुर और गोगुंदा, ये दोनों राजधानियां महाराणा उदय सिंह के समय बनी है। और कुंभलगढ़ और चावंड ये महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया है, और चित्तौड़गढ़ की राजधानी वापस अमर सिंह प्रथम के टाइम अकबर ने बनाया, क्योंकि उस चित्तौड़गढ़ को अकबर ने जीत लिया था और ये मुगलों के दिन चला गया, तो वापस अमर सिंह और मेवाड़ और मुगलों की संधि हुई उसके तहत अमर सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। उसके बाद में उदयपुर राजधानी है वो महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के समय वापस बनाई। ये तो इनकी नौ राजधानियां हैं, मेवाड़ की नौ राजधानियां। अब हम पढ़ेंगे गुहिल वंश, इनके जो प्रथम शासक हुए हैं गुहिल, राजा गुहिल, इन राजा गुहिल के बारे में कि राजा गुहिल ने कब इनकी स्थापना की और कब मेवाड़ राज्य अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इनके जो शासक हैं राजा गुहिल, हम लिख सकते हैं गुहिल। ये गुहिल कौन थे? इनका दूसरा नाम भी मिलता है हमें, कई बार मिलता है गुहिलोत या गुहदत्त, गुहिलोत या गुहदत्त, गुहिलोत या गुहदत्त।
और यही है इसके संस्थापक। मेवाड़ के संस्थापक कौन है? संस्थापक गोहिल है। इन्हें ही माना जाता है मूल पुरुष। क्या माना जाता है? मूल पुरुष। इनको ही कहते हैं आदि पुरुष। यानी कि यही इस मेवाड़ राज्य के संस्थापक है, मूल पुरुष कहें या आदि पुरुष कहें, यही है। और इन्होंने जो स्थापना की है वो 567 ईस्वी में की। 567 ईस्वी के अंदर इन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की है। और इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम है पुष्पावती। माता का नाम है पुष्पावती, पुष्पावती। और ये पुष्पावती थी सिरोही में जो आबू है, आबू के परमार शासक की पुत्री। यानी कि ये सिरोही के अंदर एक आबू है, आबू के परमार शासक की पुत्री पुष्पावती है, ये इनकी माता है। और इनके पिता का नाम है शीलादित्य। इनके पिताजी का नाम क्या है? शीलादित्य। और ये जो शीलादित्य है, ये शीलादित्य कहाँ के शासक थे? ये शीलादित्य वल्लभी नगर के शासक थे। वल्लभी नगर गुजरात के, कहाँ के? वल्लभी नगर, वल्लभी नगर गुजरात के शासक, ये इनके पिताजी थे। और जो राजा गुहिल है, इनका लालन पालन किया है, ये किया है लालन पालन, लालन पालन वीर नगर की ब्राह्मणी ने किया है। वीर नगर की ब्राह्मणी ने इनका लालन पालन किया है, जिसका नाम है कमलावती, जिसका नाम है कमलावती। कमलावती एक विधवा ब्राह्मणी थी, इसने लालन पालन किया। और इनका नाम गुहिल कैसे पड़ा? गुफा में रहने के कारण, गुफा में रहने के कारण इनका नाम गुहिल पड़ा। देखिएगा दोस्तों, राजा गुहिल है, इनका नाम गुफा में रहने के कारण गुहिल पड़ा। हुआ ऐसा था कि वल्लभी नगर के शासक थे शीलादित्य, और शीलादित्य के ये पुत्र है गुहिल, और इनका नाम है वो गुफा में रहने के कारण पड़ा। और आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनका नाम कैसे पड़ा गुहिल, और ये इन राज्यों की स्थापना कैसे की, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तब तक देखिएगा, इनकी जो इनका गुहिलोद भी नाम मिलता है, गुहदत्त भी मिलता है। संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। 567 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्थापना की है। क्या की है? स्थापना। और माता का नाम पुष्पावती, जो आबू के परमार शासक की राजपुत्री थी, और पिता शीलादित्य है, जो वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। लालन पालन वीर नगर की ब्राह्मणी ने, जो कमलावती ने किया है। और गुफा में रहने के कारण इनका नाम गुहिल पड़ा है। आगे देखिएगा, इनकी उत्पत्ति कैसे, गुहिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम उत्पत्ति से पढ़ते हैं। जो एक व्यूस्वान, व्यूस्वान नाम का व्यक्ति, व्यूस्वान जिसका हम मानते हैं कि सूर्य का पुत्र है, या सूर्य सोम सूर्य, या फिर सूर्य का पुत्र है, व्यूस्वान नाम का व्यक्ति है। इसी के वंशज के अंदर जन्म होता है राजा दशरथ का। किसका जन्म होता है? राजा दशरथ का। और दशरथ के ही पुत्र हुए थे राम, दशरथ के ही पुत्र हुए थे राम। और राम के दो पुत्र थे लव और कुश, लव और कुश। कुश के वंशज, यानी 108वीं पीढ़ी। कितनी? 108वीं पीढ़ी कुश के वंशज के अंदर विजय हुआ। एक शासक होता हुआ था जिसका नाम है विजय भूप। ये विजय भूप के बाद में सट्टा वंशज है। विजय भूप के बाद में जो सट्टा वंशज है उसका नाम है शीलादित्य। हम यहां तक पढ़ते हैं, व्यूस्वान से लगा करके विजय भूप तक, यहां तक शासक हुए हैं ये शासक। इनकी जो राजधानी रही है वो राजधानी रही है अयोध्या। इनकी राजधानी कहाँ रही है? राजधानी अयोध्या थी। भगवान राम अयोध्या के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने शासन किया है अयोध्या में। तो इनकी राजधानी
यानी कि विभुस्वान से लगा करके राजा दशरथ, राम, कुश और उनके आठवां वंश 108वीं जो पीढ़ी है विजय भूप, इन तक जो शासन किया है, जो राजधानी रही है वो तो अयोध्या रही है। उसके बाद में विजय भूप ने क्या किया, विजय भूप ने यहाँ से दक्षिण में, हाँ जो मान लीजिए यह है अयोध्या, अयोध्या के दक्षिण में इधर एक राज्य पड़ता जिसका नाम है गुजरात, वर्तमान में यूपी अयोध्या, तो यहाँ गुजरात जाकर के यहाँ स्थापना कर दी नए नगर की जिसका नाम है वल्लभी नगर। वल्लभी नगर ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है, नए राज्य की स्थापना कर दी। किसने की, विजय भूप ने, विजय भूप ने नए राज्य की स्थापना कर दी जिसका नाम है वल्लभी नगर गुजरात में, और अपना एक नए राज्य की स्थापना की, नया राज्य बनाया। और उसके बाद में शासक बनता है शीलादित्य, यानी सवा वंश सवी पीढ़ी जिसका नाम है शीलादित्य। शीलादित्य शासक बने हुए हैं, शीलादित्य के कोई पुत्र नहीं था, शीलादित्य के सब पुत्रियां थी, पुत्र नहीं होने के कारण इनकी पत्नी का नाम है कमलावती, नहीं पुष्पावती, सॉरी पुष्पावती जो आबू के परमार राजकुमारी थी, ये पुष्पावती जब पुत्र नहीं होने के कारण आबू आई हुई थी। आबू जी के अंदर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है अर्बुदा देवी, पुत्र की मनोती मांगने के लिए, ये पुत्र की मनोती मांगने के लिए अर्बुदा देवी आई हुई थी आबू जी के अंदर, और पीछे शीलादित्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है, अरबों का आक्रमण होता है, और अरबों का आक्रमण होता है पीछे से, किसका आक्रमण होता है, अरबों का, और शीलादित्य को मार देते हैं। जब शीलादित्य की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो पुष्पावती को जब पता चलता है तो पुष्पावती अपने पीहर में आई हुई है, और राजपूतों के अंदर तीन पड़ता है। जब अगर उसका पति शहीद हो जाता है या मर जाता है तो उसकी जो पत्नी है वो पीयर में नहीं रहती है, नंबर एक। दूसरा है वो अपने अगर गर्भवती है तो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में सती होगी, इसलिए इन तीनों बातों की पालना की किसने, पुष्पावती ने। और पुष्पावती ने अपना पीयर पक्ष यानी सिरोही को छोड़ करके गुजरात के अंदर आ गई, कहाँ भी गुजरात के अंदर एक नगर है जिसका नाम है वीरनगर। वीरनगर की ब्राह्मणी थी, एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती, और इस कमलावती के पास आकर के इसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है गुहिल, जिसका नाम था गुहिल। और पुत्र को जन्म देने के बाद में इसने अपने पतिवर धर्म को, धर्म की पालना करते हुए इसने कहा कि मैं तो सती हो रही हूँ और तू इस मेरे पुत्र को बड़ा करना, लालन पालन करना। फिर कमलावती ने इसका लालन पालन किया और जो पुष्पावती थी ये सती हो गई। तब ये गुहिल बड़ा हुआ गुफा में रहने के कारण, क्यों, क्योंकि कमलावती विधवा थी और गांव के लोग ये नहीं कहे कि कमलावती तू तो विधवा है और तू ये बालक को कहाँ से लेके आई। तब इसने एक गुफा में रखा, बड़ा होने पर इसे कहा कि तू एक राजकुमार है और तेरे पिताजी को अरबों ने आक्रमण करके मार दिया है और तू अब हाथ में तलवार ले, वहां जाए लो आ ले और वापस अपने राज्य को जीत। तब इसने अपने कुछ साथियों का सहयोग लेकर के आक्रमण किया, किस पर, इसने आक्रमण किया गुजरात वल्लभी नगर पर, लेकिन तब तक अरब जा चुके थे इसलिए वहां पर जो है वो पूरा वल्लभी नगर लूटा गया था। तो इसने वापस अपने कुछ सहयोगियों से मिलकर के एक नए राज्य की यानी मेवाड़ की ओर कुछ किया और मेवाड़ के अंदर नागदा को अपनी राजधानी बनाया, किसने, राजा गुहिल ने। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिएगा शीलादित्य के बाद में राजा गुहिल आ गए हैं नागदा के अंदर और अपनी स्थापना यहाँ करेंगे, तो किस प्रकार ये अपनी स्थापना करते हैं इसके बारे में देखिएगा। अबे राजा गुहिल हम यहाँ तक आ गए थे कि राजा गुहिल ने नागदा के अंदर अपनी स्थापना की है, यानी राजा गुहिल आ गए नागदा के अंदर, और राजा गुहिल के बाद में शासक बनते हैं राजा भोज। और राजा भोज के बाद में जो शासक बनते जिनका नाम है राजा नागादित्य। राजा नागादित्य के बाद में शासक बनते महेंद्र फर्स्ट, क्योंकि महेंद्र एक और होगा इसलिए इसका नाम है महेंद्र फर्स्ट, और उसके बाद में अपराजित राजा बनते हैं अपराजित।
अपराजित, अपराजित के बाद में राजा बनते हैं शीलादित्य। ये शीलादित्य वो गुजरात के नहीं है, ये यहीं के शासक है, ये दूसरे इनकी वंशज के अंदर है, वो गुजरात वाले शासक नहीं है। और शीलादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र सेकेंड, महेंद्र सेकेंड। और महेंद्र सेकेंड के बाद में जो शक्तिशाली शासक है, ये संस्थापक कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक, यानी जिनका नाम है काल भोज या बप्पा रावण, काल भोज या बप्पा रावण, ये शासक बनते हैं। देखिएगा, अब हम देखते हैं कि जो ये इनकी जो राजधानी रही है गुल से लगा करके यहाँ तक, काल भोज तक, बप्पा रावण तक, यहाँ तक जो राजधानी रही है काल भोज तक, ये राजधानी नागदा रही है। कहाँ रही है? नागदा, यानी जिसको हम कह सकते हैं मेवाड़, जो मेवाड़ की राजधानी है ये नागदा रही है। राजा गुल, उनके बाद में ज्यादा योगदान नहीं है, राजा भोज, फिर राजा नागादित्य, फिर महेंद्र फर्स्ट, फिर अपराजित, फिर शीलादित्य, फिर महेंद्र फर्स्ट सेकंड। अब महेंद्र सेकंड की बात है, महेंद्र सेकंड ने क्या किया कि जब राजा गोयल यहाँ स्थापना की थी, उस समय भीलों का सहयोग लिया, और इन्होंने कहा कि भीलों से कहा कि आप मेरा सहयोग करो और मैं आपके वंशजों से कर वसूल नहीं करूंगा, और अपने राज्य के अंदर आपको आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, और आप मेरा सहयोग करो और मैं एक राज्य की स्थापना करूं। तब भीलों ने सहयोग किया, हुआ क्या, महेंद्र सेकंड ने कर लेना शुरू कर दिया, भीलों से कर वसूलने, भीलों से कर वसूलने पर भीलों ने हत्या कर दी, भीलों ने हत्या कर दी, भीलों से कर वसूला महेंद्र सेकंड ने, और भीलों ने इनसे समझाया, इनसे बात की, कहा, लेकिन ये नहीं माने, तब भीलों ने इनकी हत्या कर दी। और ये इनके पुत्र काल भोज या बप्पा रावण को भी मारना चाहते थे, लेकिन काल भोज बप्पा रावण यहाँ से भाग गए हरित ऋषि के यहाँ। और महेंद्र सेकंड की हत्या करने के बाद में जो मेवाड़ की राजधानी है वो एक समय के लिए दूरस्थ हो गई थी, क्योंकि इनकी जो शासन था वो एक बार के लिए टूट गया था। दोबारा वापस स्थापना करेंगे वो काल भोज या बप्पा रावल करेंगे, क्योंकि महेंद्र सेकंड की हत्या हो गई। महेंद्र सेकंड की हत्या होने के बाद में काल भोज यहाँ से भाग गए, उस समय इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे। काल भोज वापस संभल करके दोबारा भीलों से साथ लेकर के वापस स्थापना करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये महारानी क्लासेज अगर आपको पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाएं। अब नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली अगली क्लास के साथ में। धन्यवाद।